मम्मी पापा के हो गए हैं बहुत जोरदार झगड़े। अब पापा मम्मी को मनाने के लिए देने वाले हैं महंगा सा गिफ्ट। वैसे बात नहीं करने, बिल्कुल करने का नहीं अभी। Hi guys, welcome back to my channel Came to Majama। कैसे हो आप सब लोग, बताओ मैं आज कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो ना? Thank you so much। तो देखो guys, आज है छुट्टी का दिन, और छुट्टी का दिन बोले तो एकदम fun day, enjoy वाला day, घूमने फिरने वाला day। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ पता है? आज मैं ना मॉल जाने वाली हूँ और बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। देखो ये शॉपिंग वाला प्लान है ना, मैंने पापा को अभी तक बताया नहीं है, तो अभी है ना हम फटाफट निकलते हैं घर से और वहाँ पे जाके है ना शॉपिंग। मतलब यार पसंद आता है तो कर ही सकते हैं ना शॉपिंग, है कि नहीं गाइस? अब आप प्लीज ये सब मत बोलना कि दीदी आप कितनी शॉपिंग करते हो। देखो मैंने इससे पहले भी बहुत बार बताया, शॉपिंग मतलब है ना कपड़े लेना, ये सब करना मेरी जरूरत की चीजें होती है, क्योंकि मुझे शूट करना होता है, अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं, तो इसीलिए मैं शॉपिंग करती हूँ। और मैं ज्यादा शॉपिंग भी नहीं करती हूँ, अगर आपने देखा है तो मैं ना थोड़े बहुत ही कपड़े लेती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं वो। चलो ये सब बातें छोड़ो, चलो चलते हैं। पापा आ जाओ, इधर आओ पापा। वाओ कितने मस्त लग रहे हो पापा। हाँ चलो मॉल जाना है, छुट्टी है, फिर माने जाएंगे साथ में। पहले बोल क्यों मैं बात नहीं कर रहा हूँ दो तीन दिन से। हाँ इनका झगड़ा हुआ है, इनका ऐसे ही होता है, बात नहीं कर रहे ये दोनों भी। हाँ तूने अगर मुझसे बात करी तो मेरे से बात नहीं करने का, मेरे से बात करे तो उससे बात नहीं करने का, बस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मॉल चलना है कि नहीं चलना? हाँ, चल सकता हूँ, अगर नहीं आ रही होंगी तो चलूंगा मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मम्मी के बिना शॉपिंग करने में मजा कहाँ आता है। नहीं बात कर रहे आप पापा से? देखो मेरे पास है ना एक आइडिया है, मैं ना बात करती हूँ आज के दिन पापा से, फिर कल से बात नहीं करूंगी। तो ठीक है ना, तुझे कब मैंने मना किया पापा से बात? क्योंकि पापा ने बोला कि अगर तूने मम्मी से बात की तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। जा पापा की क्या सुनते हैं, जा। मेरे को आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है इसीलिए। ठीक है जा। देखो मैं ना पापा को बोल देती हूँ कि मैं ना मम्मी से बात करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे है ना मम्मी शॉपिंग कराती है, फिर पापा की रिप्लाई देखते हैं इससे क्या आता है। पापा देखो मैं ना मम्मी से बात करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी मुझे शॉपिंग कराती है। तो मैं शॉपिंग करा के देता हूँ, उसे मत बात कर, जान दे। ये फंस गया सी है। सच है? हाँ। चलो फिर, चलो ना। हाँ तो चल रहा ना, चलो। अभी मेरे को पूरा का पूरा गेम समझ में आया, दीदी ने पापा को मस्त मस्त उल्लू बनाया, उल्लू उल्लू बनाया पापा को। अभी पापा है ना जाके ना दीदी को ना इसे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे, मस्त उल्लू बनाया उल्लू। बात तो सही है चीकी। अरे मैंने तो ये बात सोची ही नहीं कि मम्मी पापा अगर साथ हो तो भी शॉपिंग हो सकती है, और मम्मी पापा के झगड़े हो तो भी शॉपिंग हो सकती है, और अगर झगड़े हो गए हो तो दोनों साइड से शॉपिंग हो सकती है। देखो पापा मॉल में जाने के बाद पलटना नहीं है कि नहीं शॉपिंग करनी है। हाँ तो कर लेने का ना, थोड़ी मैं कहा कुछ बोल रही हूं। हाँ क्योंकि मम्मी नहीं है ना पापा को कंट्रोल करने के लिए, तो पापा क्या है मेरे को ऐसे बोल सकते कि नहीं शॉपिंग करनी है, मैं शांत बैठ जाऊंगी फिर। ये देखो कौन आया, मिस सोनल मासी आई है, और ये यही पे गाड़ी में मेकअप कर रही है, इसको एकदम ऐसे उठा के लेके आए हम। अरे 12 बजे तक सो के ना इंसान ने कभी तरक्की नहीं किया। अच्छा पापा मम्मी से कब बात करने वाले हो वो बताओ। मैं उससे करूंगा समझो 2 दिन के बाद बात। 2 दिन के बाद क्यों? अब रहने देना भाई, 4-5 दिन नहीं बात करने का तो छोड़ दो फिर। यार ऐसे अच्छा लगता है कि गाइस बताओ तो आप लोग। अभी क्या करेंगे, आ जाना, मैं तेरे मम्मी के लिए ना सरप्राइज गिफ्ट लेता है। क्या तो गिफ्ट देते देते बात करोगे आप मम्मी से? वो गिफ्ट लेने के बाद में खुद ही बात करेंगे। यस गाइस देखते हैं क्या गिफ्ट है। तो क्या होगा वो गिफ्ट, और गिफ्ट देने के बाद में मम्मी खुश होगी, और क्या वो पापा से बात करेगी? ये देखो ये आ गए हम लोग मॉल में, और यहाँ तो 50% सेल भी चल रहा है। आ गए हम लोग मॉल में, मैंने मास्क और टोपी पहन लिया फॉर सेफ्टी रीजंस, पहले बता रही हूँ मैं। चलो अभी हम लोग चलते हैं। पापा मुझे बताओ ना क्या सरप्राइज लेने वाला है। अरे अभी जब अपन सरप्राइज लेंगे ना तब तू देखेंगे, महंगा वाला सरप्राइज लेंगे उसके लिए। महंगा वाला सरप्राइज है यार? तो तू बैठे बैठे मैसेज करके बोल देंगे मम्मी को। नहीं बोलूंगी मैं, सरप्राइज तो कैसे बोल सकते हैं? बोल देंगे नहीं तो। पापा को पता है क्या लगता है, मैं नहीं तो सोनल दी हम दोनों है ना खुद मम्मी को बता देगा कि उनके लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है। ये देखो कौन आया, तेजवासी आ गई। हाय हम लोग चलते हैं H&M शॉपिंग करने। तूने अच्छा फंसाया मेरे को शॉपिंग के नाद में। हां भाई
कैसी लगी? आगे स्वाद? रहने तो, पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बात से पलटेंगे नहीं। तो बाद में मेरे को, मैंने सोचा ना तो बाद में मेरे को समझ में आया वो। तो आपकी गलती है, पापा ने बाद में क्यों सोचा? Let's go guys, H&M. Sorry, निकल फिर। Let's go guys, H&M चलते। देखते हैं अंदर कुछ अच्छा कलेक्शन आया क्या। चलो पहले हम थोड़ा सा ना इधर उधर देख के आते, कोई अच्छा कलेक्शन है क्या। तुमको भी लगा तो बता देना, ठीक है? हाँ ये ले, खुशा है। ए वाओ, ये अच्छा है ना। अरे यार ऐसे मत करो ना। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा टॉप। ये देखिए, ये भी कलर। नो। ए वाओ, ये कलर अच्छा है। देखो ये डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक है, कौन सा वाला अच्छा है? पर मैंने बोला नहीं लेने का है, वो रख देना। अच्छा सब कलर अच्छे रख दे। शाबाश, चलो आगे चलो। रेगुलर देखते हैं दोनों भी। हाय, थैंक यू। अच्छा मुझे है ना अपने लिए शॉर्ट्स भी देखनी है, लेकिन पापा साथ में ना, तो पापा कुछ भी लेने नहीं देंगे ऐसे में। मम्मी के साथ आना पड़ेगा, दूसरा कुछ देखते हैं हम उधर की साइड। देखो तो मैं ना कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए, ट्राई करके देखते हैं कैसे लगता है। मुझे है ना ये वाला जो वन पीस है ना, ये बैकलेस वन पीस है, ये बहुत अच्छा लगा, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। देखो फर्स्ट मैंने ये वन पीस ट्राई किया है, ये ना लूज है, मुझे है ना स्मॉल साइज चाहिए, मैं स्मॉल साइज लेकर आती हूँ। और ये बैकलेस है, ठीक है मैं दूसरा ट्राई करती हूँ तब तक। मुझे है ना ये जो वन पीस है ना, ये बहुत मस्त लग रहा है, कितना सही लग रहा है देखो, है ना कितना मस्त और एकदम परफेक्ट आ गया ये मुझे। देखो मुझे तो है ना ये ड्रेस बहुत पसंद आया, मैं तो ये ड्रेस लेने वाली हूँ। देखो कितना मस्त ड्रेस है यार, अच्छा लग रहा है, मैं ये लेने वाली हूँ। अब मैं दूसरा वाला देखो, तो मुझे है ना ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगा है। ये जो स्कर्ट है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, हम इसको घर पे या फिर ट्रैवल में भी पहन सकते हैं, तो ये तो मैं ले रही हूँ। और ये टॉप भी बहुत मस्त है, देखो लग रहा है ना। तो नेक्स्ट मैंने ना ये व्हाइट कलर का फ्रॉक ट्राई किया है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि व्हाइट कलर है ना, आई थिंक कलरफुल फ्रॉक चाहिए फिर ये अच्छा लगे। के लिए ना अपन है ना लेने वाले एक मोबाइल, सैमसंग अल्ट्रा S24 ऐसा कोई मोबाइल ले आएगा। हाँ दो वाला लेंगे। क्या बात है, वाव क्या 1.5 लाख तक का आएगा मोबाइल, वाव क्या है उसमें। तो गिफ्ट दे रहे हैं ना मम्मी को। हाँ चलो देखेंगे है क्या अवेलेबल। हाँ चलो चलो। ये देखो ये रहा मम्मी का न्यू मोबाइल, अभी हम देख रहे हैं कौन सा लेना है। तो वो लेकिन जो तू कलर बोल रही थी ना वो नहीं है उनका, टाइटन ब्लू। ब्लू, हाँ ब्लू कलर चाहिए मुझे मम्मी के लिए, ब्लू नहीं है। ये कौन सा कलर है? ये ग्रे कलर। ग्रे कलर अवेलेबल है, ब्लैक कलर। ब्लैक तो नहीं चाहिए। सेल्फी बताओ, कैमरा एकदम सही है इसका, देखो कितना मस्त लग रहा है, अच्छा फोटो आ रहा है इसमें। तो अभी हमने ना वहाँ पे फोन देखा ना, तो मुझे जो कलर चाहिए ना वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो अभी हम दूसरे स्टोर में चलते हैं, होप कि वहाँ पे है ना जो कलर मुझे चाहिए वो अवेलेबल हो जाए। देखो हम आ गए दूसरे स्टोर में देखने के लिए, दिखाओ कैमरा तो इसका बेस्ट ही है। मम्मी बहुत दिनों से एक सादा वाला मोबाइल मांग रही थी, बट आज पापा मम्मी को 1.5 लाख का मोबाइल लेके दे रहे हैं, मम्मी बहुत खुश होने वाली है। बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, पूरे फैमिली के साथ आपका व्लॉग देखती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी आपके फैन हैं। मैं मतलब विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आंखों पर कि मैं आपको सामने देखी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं। ये देखिए वॉलेट कलर ही है। हाँ देखो जो कलर मुझे चाहिए था ना वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा वो कलर। तो मैं बोल रही हूँ पापा को कि हम ले ही लेते, इसकी कैमरा क्वालिटी सब कुछ एकदम बढ़िया है, और मम्मी के लिए ये बेस्ट फोन है। कन्फर्म? एकदम कन्फर्म। अब ये फोन को देख के मम्मी का क्या रिएक्शन होगा वो तो आप वेट करो, ठीक है उसके लिए। चलो फाइनल हो गया, ये फोन जाएगा मम्मी का। ये लास्ट वाला टॉप मॉडल है, नहीं है ना तो बोलेंगे कि इसके ऊपर और एक मोबाइल था कोई। नहीं नहीं ये सबसे टॉप मॉडल है, मैं सब्सक्राइबर हूं। थैंक यू, तुम कितनी क्यूट हो, तुम भी। तुम्हारे पास एक
फाइनली हमारे पास में आ गया ओपन। देखेंगे ना उसके अंदर साबुन निकला तो सच में मम्मी के क्या रिएक्शन होंगे, आप बस वेट करो अभी मम्मी को दिखाएंगे आप फोन कर जाके। वाह कितना मस्त है, मम्मी को देंगे गिफ्ट अभी है। हाँ आप ही देना अपने क्या, मैं क्या सोच रहा था कि मैं ये रख लेता और मम्मी को ये दे डालता। कुछ जरूरत नहीं है, मम्मी का जाएगा फोन, मम्मी से ज्यादा तो मैं ही खुश हो रही हूँ। ओपन कर। मैं ओपन करूँ? हाँ चलो ठीक है। पूरा करने चालू, खराब तो नहीं है? हो गया, हो गया, चालू हो गया। मैं बोला क्या वन पीस तो नहीं दे दिया अपने को? देख चलो घर चलते हैं। अभी ये फोन को ना हमें ओपन करके देखना था, इसीलिए हमने ऊपर का कवर निकाला था, अब हम वापस लगा रहे हैं। पेटी पैक कर रहे हैं मम्मी को देने के लिए। हाँ पेटी पैक हो रहा है फोन वापस। ये फाइनली हमने मम्मी के लिए फोन ले ही लिया, ये मम्मी से ज्यादा खुश मैं हूँ। एक्चुअली मम्मी की खुशी भी मैं यही से बता रही हूँ। अभी घर पे जाके वो कृष्णा ज्यादा खुश होने वाला है। हाँ क्योंकि अभी ये उसका कब्जा हो जाएगा इसके ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा कि है ना ये मैं रख लेता और ये देते। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है पापा, पापा के फैंस। थैंक यू बाय। ओए होए क्या बात है पापा, आपके साथ फोटो निकाल रहे सब लोग। अरे अब मेरे भी फैंस हो गए सब लड़के, छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे लड़के। एक तो देखना। हाँ, देख ये टॉप देखो कितना मस्त है। अच्छा कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना इस बार मम्मी नहीं थी ना शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मेरे को बहुत डिफिकल्ट हुआ। ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है। ये वाला पहन के देखना, ये अच्छा दिख रहा है। हाँ रुको मैं भी आई पहन के, जस्ट वेट। आ जाओ मम्मी। हाँ आ जा। मम्मी अंदर शॉपिंग बैग में तो देखो ये वाला चल गई में, ये भी सेम वाइट के जैसे टॉप है। अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे अच्छे नहीं लगे आपको? बहुत पतले ना इसलिए। तो तू देख तो सही है हाथ में लेके अच्छे है क्या नहीं है। अरे नहीं है, पहले बिल तो देख तू। अरे मम्मी एक बार शॉपिंग बैग में तो देख लो, मेरी भोली मम्मी। नहीं है, पहले बिल तो देख तू।
क्या देखने का, मुझे पता है बिल कितने का हुआ होगा। यही वो वाले माते नीचे से नीचे अरे यहाँ से यार तो बहुत बड़ा है, आईफोन से भी ज्यादा बड़ा है। सरप्राइज कैसा लगा? मम्मी तो उधर रख रही थी ये थैली, मेरे को लगा कब दिखेगा मम्मी को फोन। बहुत अच्छा लगा। घर बढ़िया है? हाँ बहुत अच्छा है जी। देख मेरा मोबाइल ऑन कर जी। ले लेगा ये सरप्राइज तो है ना पप्पा देने वाले थे, लेकिन हमारे पप्पा कैमरामैन बनने वाले। कैमरामैन ये मोबाइल फोन तो बहुत अच्छा। गिर गया मम्मी। मैं मजा कर रहा हूँ मम्मी। मेरे को लगा पर्स है इसके अंदर। ये पर्स कैसे हो सकती है? अरे तेरे छोटी छोटी पर्स रहते ना, मेरे को लगा पर्स ही, मैंने ये देखा ही नहीं। मैं वही सोचू मम्मी को अभी तक फोन दिखा कैसे नहीं, कब से मैं दिखा रही हूँ। चाहिए था फोन, उनके पास फोन ही नहीं था, मतलब था लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था। बड़ा दिख रहा ना कान में भी। सोनल देख मेरा फोन कितना बड़ा है। सेल्फी निकालो आप अपनी, फर्स्ट सेल्फी। चलो मम्मी खुश तो मैं खुश। पापा आओ ना बाहर। मैं बात नहीं कर रहा उससे। क्यों जोर से खींचते का हाथ मैंने जो खींचा मैं डर गई ना पापा। क्या हो गया? मामा आई कुच्चू, पूरा खानदान आ जाओ इधर। हाँ बुलाओ। कितने का है? कितने का है? 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है ये। क्या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल? इतना महंगा? हाँ फिर अच्छा लगा ना आपको वो बताओ। हाँ। कलर अच्छा है क्या? कलर तो मेरा फेवरेट है। बच्चे ये क्या है? चल जल्दी। अरे क्या ये Samsung Galaxy S24 Ultra? अरे इधर है फोन। फोन इधर है हाथ में। अभी कृष्णा चेक करेगा और बताएगा हमको ये फोन कैसा है। चल बता। उसी ने मुझे बताया था ये फोन के बारे में। हाँ कृष्णा ही बता रहा था कि Samsung Galaxy S24 Ultra लेना। क्या कर रहा बच्चे तू? ये जूम टेस्ट। हाँ, कर वाला दिखा कितना जूम है। अरे बाप रे उसकी एक आंख भी दिख रही है। मम्मी वो सब तो ठीक है लेकिन आप भी मुझे कुछ सरप्राइज देने वाली थी ना, वो कहाँ है? हाँ रुक अभी लेके आती हूँ। अच्छा क्या सरप्राइज होगा वो? मम्मी लाओ ना जल्दी, क्या सरप्राइज है? अब मम्मी ने क्या सरप्राइज अरेंज कर रखा है ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और अब मकर संक्रांति के हल्दी कुमकुम का फंक्शन भी तो करना है। कमेंट्स में बताओ हल्दी कुमकुम के फंक्शन में क्या मस्ती की जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।